हेलो बच्चों, कैसा रहा कल का दिन? अभी बहुत सारे बच्चों को काम नहीं मिल पा रहा है, लगता है क्योंकि ना तो उसमें व्यूवर्स बन रहे हैं ना देखने वाले बन रहे हैं। तो जिन बच्चों के पास लिंक है वो अपने जाने वाले बच्चों को, जो आपके अपने स्कूल के बच्चे हैं, उनके पास लिंक भेजें और उन्हें इन्फॉर्म करें कि डेली यूट्यूब चैनल में सर के द्वारा कुछ ना कुछ टास्क दिया जा रहा है, उसे टास्क करें। क्योंकि अगर सबको जानकारी नहीं मिलेगी तो सबको पता ही नहीं चलेगा। जो एटलीस्ट यहाँ भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे गाँव में पहुँच चुके हैं, अगर इस चैनल के द्वारा देखेंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करते रहेंगे और रेगुलरिटी मेंटेन बनी रहेगी। तो सही बच्चों से पहला तो ये है कि जैसे जो मैंने कल का कार्य किया, कल का कार्य करके सही बच्चों का अपना इमेज लेकर व्हाट्सएप पर डालना है, ताकि हमें भी पता चले कौन सा बच्चा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कि केवल टास्क देख लिया आपने, देख लिया हमें भी पता नहीं चल पा रहा आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम जो टास्क दे रहे हैं उसमें आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसमें आप कमेंट्स पे लिखो या उसका इमेज दो कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, समझाई जाए। तो हमको आपको गूगल के जरिए, व्यूज वॉइस मैसेज के जरिए आपको हम जरूर उसमें सोल्यूशन देंगे। लेकिन आप अगर आप बताएंगे नहीं तो हमें ये चीज़ पता नहीं चलेगी। और घर में रहते हुए सारे कार्य करने हैं, इसलिए आज मैं अगला वीडियो लाया हूँ। हर क्लास के हिसाब से कुछ ना कुछ टास्क है, तो सबसे पहले अपने कामों को देखिए और रेगुलर कार्य करना ही करना है। जो मैंने कुछ चीज़ें जैसे बताई, छोटी क्लास के बच्चों को टेबल डेली लिखनी है, राइटिंग हिंदी और इंग्लिश में डेली लिखनी है, एक चैप्टर इंग्लिश का कोई भी रीडिंग करना है, और जो भी उसमें डिफ़िकल्टीज हैं अपने पेरेंट्स से हेल्प लो। अगर पेरेंट्स हेल्प करने में असमर्थ हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन करके बता सकते हैं। हमें लग रहा है किसी कोई सलूशन ही नहीं, और हमने बताया कि मैं 10 से 12 बजे के बीच मैं आपको फ़ोन की सुविधा दे रहा हूँ, आप 10 से 12 बजे के बीच में प्रतिदिन कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ने आपने डाल दिया, आप मेरे पास जब समय मिला तब मैंने व्हाट्सएप देखा, फिर सलूशन कितने टाइम दे पाता हूँ उसका सलूशन दिया जाएगा। लेकिन आप ज़रूर उसमें करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला नोट डालते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए कि हाँ सर ने कोई नया चैनल डाला है। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, घंटी नहीं बजाएंगे, तब तक वो नोटिफिकेशन आपके पास अलर्ट मैसेज के जरिए नहीं पहुंचेगा। आपको डेली देखना पड़ेगा खोल के, आपका अगर सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को तो अपने आप नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाता है अलर्ट में, देख लीजिए तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने कोई वीडियो डाल दिया है, उसको मैं देखना है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा, आ जाते हैं अब टास्क पर। हम देखो कुछ काम दिखा रहे हैं आज की डेट के अनुसार। पहले क्लास फर्स्ट और सेकेंड वालों की तरफ से देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, मे भी सबको समझ में आ रहा है। ये देखिए साफ साफ क्लियर दिख रहा है। पहले क्लास फर्स्ट वालों को क्या करना है कि 20 वाइल्ड एनिमल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में लिखना है। वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवरों के नाम, जंगली जानवरों के नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखने हैं, ठीक। इसके बाद 20 डोमेस्टिक एनिमल, उसके दूसरे नंबर लगा 20 डोमेस्टिक एनिमल, यानी 20 घरेलू जानवर, जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, बफेलो हो गया, तो 20 जानवर ऐसे लगते जो पालतू जानवर होते हैं, उनको भी हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, ठीक। इसके बाद राइटिंग करनी है हिंदी और इंग्लिश की, 1 पेज डेली, यानी हिंदी का भी 1 पेज और इंग्लिश की 1 पेज, और अच्छे राइटिंग के साथ करनी, यानी कि टेम्परेरी में काम कर दूँ। टेबल 2 से 20 तक मैं डेली दे रहा हूँ, अगर 20 तक याद नहीं, जिसको मैं बता रहा हूँ, अगर 15 तक याद, उसके आगे 16 को याद करें, किसी को 10 तक याद है तो 11 को याद करें, डेली एक एक दो टेबल याद करो। जो टेबल याद करो वो डेली मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो कि इसकी मैंने टेबल याद कर ली है, वॉइस बनाकर या कुछ करके। और फर्स्ट सेकेंड कुछ मैंने 2 सम्स और 1 सब्ट्रैक्शन और 1 मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम दी है, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक। इसके बाद आते हैं क्लास थर्ड और फोर्थ पे। क्लास थर्ड और फोर्थ पे देखिएगा सारा कुछ, टू राइट इन वर्ड्स, पहले जो लिखे इनको वर्ड्स में लिखना है, जैसे 4 2 5 6 1, तो यानी क्या होगा 42,561, जैसे लिखना है ना, इसे वर्ड्स पे लिखना है। इसके आगे नेक्स्ट में टू राइट इन रोमन एंड हिंदी डिजिट, यानी रोमन नंबर में लिखना है और हिंदी लिखना है, यानी पहले जैसे 79 है, 79 को रोमन में कैसे लिखेंगे और हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में वर्ड्स में भी लिखना है। जैसे 79 का हिंदी में आपने 69 लिख दिया, तो 69 को कैसे लिखेंगे वो चीज़ आपको करनी है, और ये 79 जैसे 79 हो गया, इस तरह से करना है। इसके बाद टेबल 15 to 20 डेली, 15 से 20 तक की टेबल लिखनी है। रीडिंग 1 चैप्टर इंग्लिश, इंग्लिश का 1 चैप्टर कोई भी रीड करो। राइटिंग करनी है 1 पेज हिंदी 1 पेज इंग्लिश।
टू राइट 10 लाइन्स ऑन हिमसेल्फ या माई सेल्फ, यानी कि अपने बारे में 10 लाइनें लिखनी है। माई नेम इज़ रामस्वरूप, माई फादर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज, आई लिव इन दियर, आई हैव वन ब्रदर वन सिस्टर, अप टू सो ऑन, जो भी आपको अपने बारे में आता है, अपनी फैमिली के बारे में लिखना है, वो सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फोर्थ का ये टास्क हो गया। इसके आते हैं फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ पर। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ का देखेंगे। इसमें लिखा टू राइट इन वर्ड्स यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में यूज करना है और इनको लिखने हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में पहले मैंने बताया था कि जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो वंस प्लेस से तीन तीन डिजिट पे कामा लगाते हैं, जैसे 292 के बाद लग गया, फिर 654 के बाद लग गया, फिर लिख गया, फिर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, अब तो 100 तक जाता है। इस तरह से आपको करना है। फिर रीडिंग पैराग्राफ इंग्लिश, अच्छा, फिर एक पैराग्राफ इंग्लिश का रीड करना है और उसमें 20 वर्ड मीनिंग पिक आउट करनी है, जिसका मीन्स एक हिंदी में भी लिखा होना चाहिए, एक इंग्लिश में भी उसकी मीन्स लिखी होनी चाहिए। अच्छा, फिर कुछ नीचे एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक दे रखे हैं। मेरे ख्याल से एलसीएम एचसीएफ सभी को आता होगा, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और उन्हीं जब एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे तो नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रैक्शन की है, तो फ्रैक्शन एक प्लस का है, दूसरा भी प्लस का है, दोनों सॉल्व करना है। ये टास्क आपको है फिफ्थ सिक्स सेवन्थ का है इसका। नाइन्थ और एट्थ वाले टास्क देखें, सेम सेवन्थ की तरह एक टॉपिक इसमें है कि एक पैराग्राफ इंग्लिश का रीड करके 20 वर्ड मीनिंग हिंदी में और इंग्लिश में लिखनी है। ये अलजेब्रा की कुछ प्रॉब्लम है। सब्ट्रैक्शन, ये ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन में फ्राम के आफ्टर नंबर पहले लिखा जाता है, फ्राम के आफ्टर नंबर पहले लिखा जाएगा, यानी कि आपका फ्राम के आफ्टर नंबर आपका जो लिखा हुआ है ये एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स, इसे पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस का साइन लगाकर 6x+4y-9z लिखेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 3x+y-9, और इस टर्म को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है नीचे। इसके बाद लिखा डिफाइन वर्ब विथ इट्स काइंड, यानी कि वर्ब को डिफाइन करो, डेफिनेशन लिखो, उसके काइंड से बताओ, और इसके 20 एग्जाम्पल वर्ब्स के लिखने हैं। और कुछ हमने स्टेट्स के सीएम के बारे में लिखा है, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक एंड एमपी। एमपी में एटलीस्ट सबसे नए सीएम बने हैं, आपको पता होना चाहिए कौन से हैं, उनके बारे में लिखना है। अच्छा, अब आता है टेंथ। टेंथ और नाइन्थ के लिए एक अलग से टॉपिक है कि भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल लिखकर मेरे नंबर भेजना है, यानी कि भारत के जितने भी राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सभी के सभी लिखने हैं। जैसे पहले एक स्टेट कर लेंगे, जैसे मान लो आपने पहले अपने उत्तर प्रदेश का ही लिख लेते हैं, पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। फिर टू राइट एन आर्टिकल कोविड 19, कोविड 19 के बारे में तो आप बहुत जान रहे हैं इस समय, जिसके कारण हम घर पर बैठे भी हैं, इसको एक आर्टिकल कम से कम 120 शब्दों में लिखना है। अच्छा, मैंने ये तो नाइन्थ और टेंथ दोनों क्लासों का था, फर्स्ट और सेकंड नंबर, नाइन्थ और टेंथ दोनों करेंगे, केवल टेंथ नहीं, नाइन्थ और टेंथ दोनों ही करेंगे। अच्छा सर, सब्ट्रैक्शन मेथड से मैंने कल लीनियर क्वेश्चन सॉल्व करने का बताया था कि नेक्स्ट बताऊँ, कल मैंने ग्राफिकल बताया था, किसी ने अभी तक उससे कुछ कमेंट्स भेजे नहीं, किसी ने सोल्यूशन नहीं दिया कि हाँ हमने इतनी प्रॉब्लम की है और सॉल्व किया है। अगला देखो, फिर मैं देखो देख रहा हूँ, दो एक क्वेश्चन दे रखी है, 2x+y = 12, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके आगे x+y = 15, इक्वेशन सेकेंड हो गई। हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी एक इक्वेशन से किसी भी, चाहे एक्स की वैल्यू हो या वाई की वैल्यू, जो आसानी से निकल सके उन्हें निकालते हैं और दूसरे में अपलोड कर देते हैं। जैसे हमने पहले से निकाला 2x+y = 12, तो वाई की वैल्यू हमने आसानी निकाल ली, 12 - 2x, ये निकाल ली। इसके बाद देखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड पुट करेंगे। फिर न्यू नाउ इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में x+2y = 15 है, इसमें x प्लस, अब यहाँ पर y की वैल्यू ने पुट कर दी, 2 × 12 - 2x = 15। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे पहले, तो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 × 2 = 24 माइनस 4 है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में क्या 4x = 15। अब -4x और x को सिंप्लीफाई किया तो -3x हो गया, 24 को ट्रांसफर करके उस तरफ ले गए, तो 15 - 24, तो -3 = -9, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से रीज हो गया, x = 9/3, यानी x = 3 निकला। अब x की वैल्यू ऊपर किसी इक्वेशन में पुट कर दो, या आपने y इक्वल टू जो आपने 2
12 माइनस 2x लिखा था उसमें पुट कर देंगे। उसको पुट करने के बाद आपने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर y की वैल्यू भी 6 हो गई। इस तरह सोल्यूशन आपका x इक्वल टू 3y इक्वल टू 6। अब सच्चे की ओर आंसर करना है तो ये x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 6 किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें किसी भी एक इक्वेशन में दोनों वैल्यू रखकर सॉल्व कर देंगे तो LHS इक्वल टू RHS ये आ जाएगा। ये आपके सबके लिए काम हो गया, ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। इन्हीं के द्वारा आज आपको फिर ध्यान देना है कि कल हम नए टास्क के साथ आएंगे, लेकिन कार्य करने के बाद इसमें ध्यान रहे, सबको टास्क व्हाट्सएप के जरिए भेजना है ताकि हमें भी पता चले कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो मैंने मीनिंग का दिया है, ग्रामर पोर्शन दे रहे हैं, तो इसे कॉपी पे नोट करें और जब स्कूल ओपन होगा तो ज़रूर चेक किए जाएंगे। ये ना हो कि सर वो कॉपी घर में रहेगी, इधर उधर कर दिया सभी बच्चे। और जो पेरेंट्स हैं उन्हें ध्यान दें, बच्चों के टास्क को जरूर कराएं, क्योंकि बच्चे चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, व्यूवर्स में भी आ जाता है, लेकिन उस पर टास्क नहीं कर रहे। टास्क नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, चैनल का कोई यूज नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोगों से जरूर आशा करता हूँ कि ये काम आप लोग घर में जरूर जरूर करेंगे। धन्यवाद।